तो बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल बदल फटन के कारण हुई सी भारी तबाही, कई लोगों की हुई है मौत तो कई अजे भी लापता दसे जा रहे हैं। सो मंडी, कुल्लू, रामपुर, शिमला सब जगह सर्च अभियान जारी है। सो कई लोगों की मौत हो गई है इस तबाही के विच, कई लोगों की जड़ी की भाल की जा रही है। रेस्क्यू टीम ने वो पहुंचिया हुई ने मंडी, कुल्लू, रामपुर, मनाली के विच, जिथे कि बदल भी फटिया, बदल फटन करके भारी तबाही हुई सी, भारी बरसात और बदल फटन करके जोड़ा कि तांडव मचिया, जिसके करके काफी सारे लोग ने जड़े कि लापता भी हो चुके सन। कई लोगों को सुरक्षा थावां ते पहुंचा दिता गया। सो चार तस्वीरों तुहानू दिखा रहे हैं वख-वख खेतरां दीआं, जिथे कि भारी तबाही देखी जा सकती है। नदी नालियां विच जिहड़ा कि पानी दा स्तर है ओह काफी ज्यादा वध गया, उफान ते चल रहे ने ते कई लोग ने जिहड़े कि ओह लापता भी दसे जा रहे ने। सो हिमाचल दे विच तबाही तो बाद यह रेस्क्यू जारी है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों नू। कई लोगों की इस दे विच मौत भी हो गई है। दस दिए कि कल भारी तबाही हुई सी बदल फटन करके, कई लोग लापता हो गए सन। देखिए राहत राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे, और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं, और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसमें वो हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजना सब बह चुकी है, लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और NDRF की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है, और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पोर्ट पर भी है। अभी भी सर वो 49 के आसपास मिसिंग है। हाँ, अभी 49 के करीब मिसिंग है, पर और भी कुछ सूचनाएं आई है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि पिछली रात से कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है और आज थोड़ा सा मौसम खुला है, तो और युद्ध स्तर पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। आखिर में सर होम मिनिस्टर से भी आपकी बातचीत हुई और केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी आश्वासन दिया है मदद करेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या मांग करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मदद नहीं मिल पाई? नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो हमारा मेन उद्देश्य तो है कि जो जाने चार अभी लोग फंसे हुए हैं उनको हमने बचाने की सवेरे से प्रयास किया था, कल वो निकल नहीं पाए थे, आज हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डेड बॉडीज डेब्रिस में दबी हुई है उनको निकाला जाए, और भगवान से ये है कि अभी बारिश नहीं आ हो तो हम क्लाउड बस्ट वाले जो एरिया है उसमें हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि आगे हमने कैसे इस चुनौती को लड़ना, जो बरसात देर से शुरू हुई है, तो मेरा मानना है कि इस दृष्टिकोण से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अधिकतर सड़कें खुल गई हैं, टूरिस्ट से क्या अपील करें? नहीं, टूरिस्ट से मैसेज भी जाता है। नहीं, टूरिस्ट को टूरिस्ट आए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नदी नालों के पास ना जाए और ना सेल्फी खिंचवाने के ऐसे प्रयास करें, क्योंकि कई बार अचानक झटका लग जाता है और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आए और मनाली की अभी सड़कें टूटी हैं, मनाली में कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, हमने टेम्परेरी रोड को भी जोड़ दिया है, तो ये बरसात के समय पहाड़ कहीं भी हो, हमारा नहीं है, पूरे पहाड़ी क्षेत्र जो भी है, चाहे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, थोड़े बहुत लैंडस्लाइड होते रहते हैं जिसके कारण सड़कें भी अवरुद्ध होती है, पानी की योजनाएँ भी अवरुद्ध होती है, लेकिन क्लाउड बस्ट एक चिंता का विषय है, भारत सरकार को भी इसको अध्ययन करना चाहिए, हमारी सरकार तो उसको अध्ययन कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।